गेम थ्योरी के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, पे ऑफ मैट्रिक्स, मैक्सिमिन मिनिमक्स क्राइटेरियन। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और गेम थ्योरी का फर्स्ट वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके आप जा सकते हैं। इस वीडियो को मैं अपने क्लासरूम से शूट किया हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये स्ट्रेटजी फॉर ए गिवन प्लेयर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाइज विच ऑफ द अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड मेक एट ईच प्ले। दिस स्ट्रेटजी मे बी, देखो क्या स्ट्रेटजी क्या है कि जब कोई प्ले हो रहा है, मान लो दो ही प्लेयर है, सपोज करो ए और बी प्लेयर है, तो ए के पास भी कुछ कोर्स ऑफ एक्शन है। या तो ये फर्स्ट चूज कर सकता है, ये एक्शन कर सकता है, या ये एक्शन कर सकता है, या ये एक्शन कर सकता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन ए के पास भी है और बी के पास भी कुछ कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये ए प्लेयर क्या चाहता है, ए प्लेयर चाहता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट या जो भी गेन है उसको, गेन को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो ये स्ट्रेटजी फॉर ए गिवन प्लेयर इज ए सेट ऑफ रूल्स। स्ट्रेटजी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है दैट स्पेसिफाइज विच ऑफ द अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड मेक एट ईच प्ले। तो ये अपने गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन में से जो चूज करेगा, एक रूल के अनुसार चूज करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी। यानी कि यहाँ पर तीन तरह का स्ट्रेटजी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीनों जो है वो स्ट्रेटजी कहलाएगा। ये भी बी प्लेयर के लिए ये तीन स्ट्रेटजी हो गया। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसी में से किसी एक को चूज करेगा वो, तो वो एक स्ट्रेटजी बनाएगा, एक रूल के अनुसार एक को सिलेक्ट करेगा, तो उसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। और स्ट्रेटजी जो है वो दो तरह का होता है, एक दिस स्ट्रेटजी मे बी ऑफ टू काइंड, एक प्योर स्ट्रेटजी होता है और दूसरा मिक्स्ड स्ट्रेटजी होता है। तो प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है कि इफ़ ए प्लेयर नोज एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, ये डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन इज ऑब्टेंड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द गेन, देयरफॉर द प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन रूल ऑलवेज टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है, जैसे सपोज करो इसी एग्जाम्पल को लो, मान लो ए प्लेयर को पता है कि बी प्लेयर कौन सा स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहा है। सपोज करो बी प्लेयर जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता है, तो जब फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहा है तो ए क्या करना चाहेगा, ए अपने, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है कि ये अपने गेन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो अब देख रहा है कि बी प्लेयर जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर चुका है, तो ए के पास तीन स्ट्रेटजी और तीन स्ट्रेटजी में से उसको मैक्सिमम गेन कहाँ पर मिल रहा है, मैक्सिमम गेन यहाँ पर मिल रहा है। तो वो चाहेगा कि ए जो प्लेयर है वो कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करे, सेकेंड सेलेक्ट करे। तो जब ए को पता है कि बी कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया है, तो वैसे केस में डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन यहाँ पर ऑप्टेंड होगा। डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन मीन्स क्या हुआ कि ये फिक्स है कि बी जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहा है। अब ए जो है वो एक फाइनल डिसीजन ले सकता है कि कौन सा स्ट्रेटजी हम चूज करें ताकि वहाँ पर मैक्सिमम गेन हो। तो डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन यहाँ पर ऑप्टेंड हो रहा है। तो वैसे केस में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन इज ऑप्टेंड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द गेन, और ए प्लेयर अब चाहेगा मैक्सिमाइज करना गेन को, तो देयर फॉर द प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन रूल ऑलवेज टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट हो रहा है, कोई एक ही एक्शन सेलेक्ट किया जा रहा है ए प्लेयर के द्वारा। जब पता है कि बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया है तो ए के द्वारा एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो ए के पास तीन एक्शन था, तीन स्ट्रेटजी था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब फर्स्ट का सिलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फर्स्ट का सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
जब इसको पता है कि बी जो है वो फर्स्ट को ही सिलेक्ट कर रहा है, तो ए का अब मैक्सिमाइज करना चाहेगा गेन को, तो निश्चित रूप से वो सेकेंड स्ट्रेटजी ही सिलेक्ट कर रहा है, तो सेकेंड स्ट्रेटजी का सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो गया। तो यहाँ पर यही सिलेक्ट हो रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। अगर फर्स्ट कभी सेलेक्ट करेगा ये जानबूझ करके तो अपना लॉस तो नहीं लेना चाहेगा, तो ये जरूर यही स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, तो ये कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे केस में ये इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसका प्रोबेबिलिटी थर्ड का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी को P3 मान लें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो प्योर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि किसी भी प्लेयर के द्वारा कई स्ट्रेटजी है उसमें से किसी एक ही स्ट्रेटजी को वो सेलेक्ट करेगा और उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा और बाकी का इग्नोर कर देगा, बाकी स्ट्रेटजी वो सेलेक्ट नहीं करेगा, बाकी इग्नोर कर देगा, तो यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। तो अगर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज है उसमें से किसी एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है और बाकी स्ट्रेटजी को अगर इग्नोर कर देता है तो वैसे स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। और जिस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है उसका सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 हो गया और बाकी इग्नोर कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। लेकिन एक दूसरा केस भी हो सकता है, जब ए प्लेयर को पता नहीं है कि बी प्लेयर जो है वो कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, ठीक है, बी जो है वो कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकता है, तो इसका सेलेक्ट करने का सपोज करो कि इसका सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इसका सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है और इसका सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 0 है, ये तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो गया 1। अब ए जो है वो गेस करता है कि बी कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, उसके आधार पर ए अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करता है। सपोज करो कि मान लो बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है, तो वैसे केस में मैक्सिमम गेन कहाँ पर मिल रहा है ये, तो वैसे केस में यहाँ पर ये इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर सकता है ए प्लेयर, तो इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी मान लो P2, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा इसका। अगर बी प्लेयर इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है, तो इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है, तो ए प्लेयर कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेगा, इस तीनों में से देखेगा कि मैक्सिमम गेन कहाँ पर आ रहा है, तो मैक्सिमम गेन यहाँ आ रहा है, तो ए प्लेयर इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेगा। सपोज करो इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो P3 है, कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ। अगर बी प्लेयर इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है तो ये मैक्सिमम गेन चाहेगा कि मैक्सिमम गेन कहाँ हो, तो मैक्सिमम गेन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेगा, तो इस स्ट्रेटजी को तो कभी नहीं सेलेक्ट कर रहा है वो, तो इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये P1 जो है, P1 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो सपोज करो इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है कि ए प्लेयर इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 0, इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है कोई भी प्रोबेबिलिटी P2 के साथ, और इस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है P3 प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ऐसे केस में एक चीज़ का ध्यान देना है कि तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। तो अगर ए को बी के सेलेक्ट करने का स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ गेस कर रहा है, तो ये भी एक अपना स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। हो सकता है वो सेकेंड स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखे और थर्ड स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कम रखे। तो जब ये इस तीन स्ट्रेटजी में से कोई भी सेलेक्ट करता है विथ प्रोबेबिलिटी, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर लेस देन 1 होगा, तो वैसे केस में इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में इसको पता नहीं है कि कौन सा, कोई एक ही स्ट्रेटजी सेलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बनाएगा कि कौन सा हमको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड है, तीन स्ट्रेटजी है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी मान लो 0 बनाया, थर्ड सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का बनाया 4/5 और थर्ड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का बनाया 1/5। ध्यान देना तीनों का जो सम है वो होना चाहिए 1। तो अगर किसी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 है, और प्योर स्ट्रेटजी में क्या था प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा था प्योर स्ट्रेटजी में, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी के साथ में सेलेक्ट करता है तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो प्योर स्ट्रेटजी में कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है और बाकी सब को इग्नोर कर देता है, और मिक्स्ड स्ट्रेटजी में एक से अधिक स्ट्रेटजी को वो ध्यान में रखता है और उसको सेलेक्ट करने का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी बनाता है,
तो वैसे स्ट्रेटजी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। जैसे मान लो क्रिकेट में तुम देखते हो लास्ट ओवर का जो गेम होता है, तो लास्ट ओवर में जनरली क्या बॉलर क्या डालता है, यॉर्कर डालता है या बाउंसर, ज़्यादातर यॉर्कर बॉल डालता है या बाउंसर भी डाल सकता है, कभी कभी बाउंसर भी डालता है, फुल लेंथ का गेम डालता है या तो फिर शॉर्ट लेंथ का गेम, एकदम जो परफेक्ट होता है लेंथ उस गेम उस बॉल लेंथ का बॉल जो है वो जनरली नहीं डालता है। तो वैसे केस में जो बैट्समैन है वो क्या अनुमान लगाएगा, ज़्यादातर तो वो अनुमान लगा करके चलेगा कि हमारे पास ऑर्कर आएगा, और ऑर्कर आएगा तो उसके अनुसार वो अपने एक स्ट्रेटजी तैयार करेगा। तो वहाँ पर वो दो तीन चीज़ दिमाग में रख करके चलता है कि या तो ऑर्कर आएगा या फिर बाउंसर आ सकता है, तो गुड लेंथ का गेम जो है बॉल जो है वो नहीं आएगा, ज़्यादातर वो अनुमान लगाता है तो उसके अनुसार एक अपना स्ट्रेटजी तैयार करता है। तो ज़्यादातर चांसेस ऑर्कर का रहता है, इसीलिए वो ऑर्कर खेलने के लिए पूरा अपना माइंड सेट करके चलता है। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो गया यहाँ पर, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। वो सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है कि दूसरा प्लेयर जो है बॉलर जो है वो कौन सा बॉल डालेगा, वो एक अनुमान के अनुसार वो काम कर रहा है, गेस कर रहा है, और वो प्रायोरिटी मान रहा है कि ऑर्कर जो डालने का प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है और दूसरे बॉल डालने का प्रायोरिटी जो है वो कम है, तो उसके अनुसार एक वो एक अपना स्ट्रेटजी तैयार करता है, तो वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो गया। और प्योर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि प्योर स्ट्रेटजी में वो फिक्स रहता है, फाइनल रहता है कि वो कौन सा स्ट्रेटजी दूसरा प्लेयर सेलेक्ट करेगा। तो वैसे केस में फर्स्ट प्लेयर को स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का स्ट्रेटजी जो सेलेक्ट करता है वो कन्फर्म फाइनल पता कर सकता है कि हमको कौन सा स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम गेन हो। तो वैसे केस में एक ही सेलेक्ट करता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है, तो वैसे केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी। यानी कि प्योर स्ट्रेटजी मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ही एक स्पेशल केस हो गया, प्योर स्ट्रेटजी मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ही एक स्पेशल केस हो गया। यहाँ पर क्या है कि प्योर स्ट्रेटजी में प्रायोरिटी जो है वो लेस देन वन आ रहा है, और मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेकेंड ही सेलेक्ट करता है, तो सेकेंड सेलेक्ट करता है तो इसका प्रायोरिटी जीरो हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी वन हो जाएगा, और इसका प्रायोरिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या था, प्रायोरिटी लेस देन वन था, इक्वल टू भी वन यहाँ पर नहीं था, और इसमें क्या हो गया, इक्वल टू हो गया, यानी एक का प्रायोरिटी इक्वल टू हो गया और बाकी का प्रायोरिटी जीरो हो गया। और इसमें क्या होता है कि किसी एक का हो सकता है जीरो या नहीं भी हो सकता है जीरो, लेकिन लेस देन वन होता है। तो प्योर स्ट्रेटजी जो है वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ही एक स्पेशल केस है और कुछ नहीं है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ही एक स्पेशल केस है। मिक्स प्योर स्ट्रेटजी में कोई एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट होता है, और मिक्स्ड स्ट्रेटजी में एक से अधिक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है, और विथ प्रायोरिटी, कुछ ना कुछ उसका प्रायोरिटी होता है। नेक्स्ट है 2% जीरो सम गेम, जिसको रेक्टेंगुलर गेम भी कहते हैं। तो 2% जीरो सम गेम, नाम से ही पता है कि 2% होना चाहिए और जीरो सम होना चाहिए। तो दोनों के बारे में नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में भी बता चुके हैं और जीरो सम गेम के बारे में भी बता चुके हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें अप्लाई कर दो कि ये गेम विथ ओनली टू प्लेयर्स, से प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, इज कॉल्ड ए 2% जीरो सम गेम इफ द लॉसेज ऑफ वन प्लेयर आर इक्वलेंट टू द गेन्स ऑफ द अदर, सो दैट द सम ऑफ देयर नेट गेन्स इज ए जीरो। मीन्स यहाँ 2% जीरो सम गेम में सबसे पहले तो ओनली टू प्लेयर्स होगा, और एक प्लेयर का जो लॉस है वो दूसरे के गेन के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि दोनों का नेट गेन अगर देखा जाए तो वो जीरो के बराबर होगा। जैसे ये जो क्वाइन मैचिंग की बात हम लोग करते हैं कि दो प्लेयर है, एक प्लेयर ए है और एक दूसरा प्लेयर बी है, और दोनों जो है वो क्वाइन लेता है ए और बी, और दोनों मैच करता है कि मान लो बी यहाँ पर प्लेयर ए रख रहे हैं और यहाँ पर बी रख रहे हैं, तो ए प्लेयर या तो हेड सेलेक्ट करेगा या टेल सेलेक्ट करेगा, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा, बी प्लेयर भी हेड सेलेक्ट करेगा या टेल सेलेक्ट करेगा। अब मान लो अगर दोनों का मैच हो जाए, ये दोनों में कोई भी सेलेक्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली, तो ए अगर हेड सेलेक्ट करता है और बी भी अगर हेड सेलेक्ट करता है, तो उस समय ए को 1 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि +1 ए को 1 रुपये का गेन होगा।
अगर दोनों का मैच नहीं करता है, मान लो ए हेड सेलेक्ट किया और बी टेल सेलेक्ट किया, वैसे केस में दोनों का अपोजिट हो जाता है, तो वैसे केस में ए जो है वो बी को एक रुपया देगा, यानी कि ए को एक रुपया का लॉस होगा। इसी तरीके से अगर ए जो है वो टेल सेलेक्ट किया और बी हेड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर भी मैच नहीं किया, टेल और हेड हो गया, तो वैसे केस में अगर मैच नहीं करता है तो ए बी को एक रुपया देता है, यानी कि इसको एक रुपये का लॉस होगा। और अगर ए जो है वो टेल सेलेक्ट किया और बी भी टेल सेलेक्ट किया, तो दोनों का मैच हो जाता है, तो वैसे केस में ए को एक रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना कि अगर ए एक रुपया जीतता है तो उतना ही रुपया बी हार रहा है, अगर ए को एक रुपये का गेन हो रहा है तो बी को एक रुपये का लॉस हो रहा है। तो जितना ए को गेन हो रहा है उतना ही बी को लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में नेट गेन की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही गेम को हम लोग क्या कहते हैं, टू पर्सन जीरो सम गेम, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेयर भी है और दोनों का जो सम होगा नेट गेन का जो सम होगा उसका वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो, यानी जितना ए का गेन हो रहा है उतना ही बी का लॉस हो रहा है, या ए का जो लॉस हो रहा है उतना ही बी का गेन हो रहा है। अगर ए को एक रुपये का लॉस हो रहा है तो बी को एक रुपये का गेन हो रहा है, तो नेट गेन जो है वो जीरो आ जाता है। तो ऐसे गेम को हम लोग कहते हैं टू पर्सन जीरो सम गेम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर गेम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर गेम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाता है और एक रेक्टेंगल में ही ये मैट्रिक्स आ जाता है, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। पे ऑफ मैट्रिक्स मीन्स क्या हुआ, जो आउटकम होता है किसी भी गेम का, मतलब गेम के प्ले में, प्ले के अंत में जो भी आउटकम मिलता है उसका एक मैट्रिक्स बनाया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि सपोज द प्लेयर ए हैज़ एम एक्टिविटीज एंड द प्लेयर बी हैज़ एन एक्टिविटीज। दो प्लेयर है ए और बी, जिसका प्लेयर ए के पास कितना एक्टिविटीज है, एम एक्टिविटीज है, 1, 2, 3, ……m में से कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकता है, और प्लेयर बी के पास एन एक्टिविटीज है, तो देन ये पे ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय द अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। अब पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इस रूल से हम लोग बनाएंगे। पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर एक्टिविटीज अवेलेबल टू प्लेयर ए। रो में हम लोग क्या रखेंगे, रो में प्लेयर ए का जो एक्टिविटीज है उसको रखेंगे। फर्स्ट रो में ये देख रहे हो, ये जो रो है वो फर्स्ट एक्टिविटीज है प्लेयर ए के लिए, ये जो है वो प्लेयर ए का एक्टिविटीज है सेकेंड रो में। इस तरीके से ये आईएथ रो है और ये एमएथ रो है, और ये एक्टिविटीज जो है वो रो में वो प्लेयर ए के लिए है। और कॉलम डिजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर एक्टिविटीज अवेलेबल टू प्लेयर बी। कॉलम एक्टिविटीज, कॉलम में जो होगा वो बी का एक्टिविटीज होगा। जैसे प्लेयर बी जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी अगर सेलेक्ट करता है तो ये है उसका, सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो ये है, तो कॉलम में हम लोग बी का रखेंगे और रो में किसका रखेंगे, एक्टिविटीज ए को रखेंगे। और सेल एंट्री वी आई जे इज द पेमेंट टू प्लेयर ए इन एज पे ऑफ मैट्रिक्स When A choose the activity I and B chooses the activity J। क्या मतलब हुआ कि मान लो ith रो है ये और ये jth कॉलम है, तो ith रो और jth कॉलम में जो vij लिखे हैं, ये एंट्री किए हैं सेल एंट्री vij, ये क्या बताता है, ये बताता है अगर प्लेयर ए ith स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है और प्लेयर बी jth स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है तो vij आउटकम होगा, यानी vij जो है वो पेमेंट होगा, वो किसका पेमेंट होगा, पेमेंट ए को मिलेगा। ये vij जो है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ए को जितना अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वी आई जे में। मतलब अगर प्लेयर ए आईएथ स्ट्रेटजी सेलेक्ट करे और प्लेयर बी जेएथ स्ट्रेटजी सेलेक्ट करे तो जो भी पेमेंट ए को मिलेगा वो यहाँ पर एंट्री करना है। क्या समझ में आ रहा है ये, तो वी आई जे इज द पेमेंट टू प्लेयर ए इन एज पे ऑफ मैट्रिक्स व्हेन ए चूज द एक्टिविटी आई एंड बी चूजेज द एक्टिविटी जी। अब जरा ध्यान देना, ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है वो प्लेयर एज पे ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है, ये प्लेयर ए के लिए बन रहा है। यहाँ पर प्लेयर ए को कितना मिलेगा वो लिखा हुआ है, हम लोग ये भी बना सकते हैं कि प्लेयर बी को कितना मिलेगा, तो सेम तरीके से बनेगा, लेकिन जीरो सम गेम रहेगा तो फिर क्या होगा, टू पर्सन जीरो सम गेम रहेगा तो जितना प्लेयर ए को मिल रहा है उसी का नेगेटिव बी को मिलेगा। तो अगर प्लेयर ए को भी 1-1 मिल रहा है तो प्लेयर बी को कितना मिलेगा, माइनस भी 1। तो ये जो है वो प्लेयर बीज पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये प्लेयर बी के लिए बनाया गया और ये बनाया गया प्लेयर ए के लिए।
तो प्लेयर ए के लिए जब बनाया जाता है तो उसमें प्लेयर ए को कितना मिलता है वो लिखते हैं, और प्लेयर बी के लिए जब बनाया जाता है तो वहाँ पर सेम चीज़ बनाते हैं लेकिन वो लिखते हैं कि प्लेयर बी को कितना मिलेगा। तो ए को जितना मिलेगा उसी का नेगेटिव बी को मिलेगा। अगर ए को भी वन वन मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, माइनस बी वन वन। मतलब ए में जो भी सेल इंट्री होगा उसका सारा का नेगेटिव कर देंगे तो प्लेयर बी के लिए बन जाएगा, और अगर ये जो ए को जो मिल रहा है वही अमाउंट अगर रखते हैं तो ये प्लेयर ए का पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पे ऑफ मैट्रिक्स में करते क्या हैं कि प्लेयर ए के लिए जब पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं तो प्लेयर ए का यहाँ पर रखते हैं रो में, और प्लेयर बी को कॉलम में रखते हैं, और प्लेयर ए को जितना अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पर लिखते हैं कि आईएथ स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है अगर प्लेयर ए, और जीएथ स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है प्लेयर बी, तो जो अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पर रखते हैं। और जब प्लेयर बी के लिए बनाते हैं तो सेम तरीके से बनता है, सिर्फ अमाउंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखो फोर्थ में है कि विथ ए 2% जीरो सम गेम द सेल एंट्री इन द प्लेयर बीज पे ऑफ मैट्रिक्स विल बी नेगेटिव ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सेल एंट्री वी आई जे इन द प्लेयर इज, प्लेयर ए का जो बन रहा है उसी का नेगेटिव कर देंगे तो वो प्लेयर बी का बन जाएगा। तो ये हुआ टू पे ऑफ मैट्रिक्स, और ये 2% के लिए बना रहे हैं, 2% के लिए, 2% जीरो सम गेम के लिए। हम लोग देखते हैं मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स क्राइटेरियन फॉर ऑप्टिमिलिटी। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को गेम थ्योरी में, कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी ए के लिए क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी बी के लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग को काम करना है। तो ऑप्टिमिलिटी के लिए मैक्सिमिन और मिनीमैक्स क्राइटेरियन क्या है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं गेम थ्योरी में गेम को तो यहाँ पर यही क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो कौन सा ये क्राइटेरिया है जरा समझोगे, कि इफ स्टेट्स दैट, सॉरी इट स्टेट्स दैट, मैक्सिमिन मिनीमैक्स क्राइटेरियन क्या है, इट स्टेट्स दैट If a player list his worst possible outcomes of all his potential strategy, then he will choose the strategy which correspond to the best of these worst outcomes. मान लो player A को gain हो रहा है, मान लो ये तीन strategy है, तीन strategy में first strategy choose करने पर मान लो ये gain हो रहा है worst, मतलब सबसे कम गेम, list his worst possible outcomes. प्लेयर ए जो है, सपोज करो इस तरीके से एक कोई गेम है, तो प्लेयर ए के पास तीन स्ट्रेटजी है, उस तीन स्ट्रेटजी में अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रेटजी में सबसे खराब गेन कब हो रहा है, सबसे कम गेन कब हो रहा है, माइनस टू, तो एक लिस्ट बना दिया। और स्ट्रेटजी टू अगर सेलेक्ट कर रहा है तो सबसे कम गेन कब हो रहा है, सबसे कम गेन माइनस वन, तो सबसे कम गेन का एक वो लिस्ट बना रहा है। और इस थर्ड स्ट्रेटजी को अगर सेलेक्ट करता है तो सबसे कम गेन जो है वो जीरो है। तो ये प्लेयर चाहता है कि जो मेरा सबसे खराब गेम है, सबसे कम गेन है, उसको हम मैक्सिमाइज करें, तो इसमें से अब मैक्सिमम ढूंढता है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, जीरो। तो ये मैक्सिमिन मिनीमैक्स क्राइटेरियन है क्या, कि इफ ये प्लेयर लिस्ट हिज वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स, क्या करता है प्लेयर जो है वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स का एक लिस्ट बनाता है, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स है, सबसे कम गेन का ये लिस्ट है। प्लेयर अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रेटजी में से कोई भी स्ट्रेटजी चूज करता है तो सबसे कम गेन का ये लिस्ट है, देन ही विल चूज दैट स्ट्रेटजी विच करिस्पॉन्ड टू द बेस्ट ऑफ दिज वर्स्ट आउटकम्स। अब सबसे वर्स्ट आउटकम्स ये है, उसमें से बेस्ट चूज करता है, तो बेस्ट कौन सा है, जीरो। तो यही काम करता है प्लेयर ए भी, प्लेयर बी भी इसी तरीके का काम करता है। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमिन मिनीमैक्स क्राइटेरियन। प्लेयर ए चाहता है कि जो कम से कम गेन हो रहा है किसी भी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने में, तो उसमें से सबसे कम गेन का एक लिस्ट तैयार कर लिया, और उसमें वो चाहता है कि बेस्ट हमको मिले, तो उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करता है। तो देखो इस एग्जांपल से यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, कि ये मान लो प्लेयर ए और प्लेयर बी का ये बीच में ये दो गेम हो रहा है, तीन स्ट्रेटजी ए के लिए भी है और बी के लिए भी तीन स्ट्रेटजी है, और प्लेयर ए अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है, प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है, तो ये माइनस वन का गेन हो रहा है प्लेयर ए के लिए। और प्लेयर बी का अगर ये फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है और ये सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो कितना हो रहा है, माइनस टू का गेन हो रहा है प्लेयर ए को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा टेबल बना हुआ है, मैट्रिक्स बना हुआ है। अब मिनिमम ऑफ वी वन जे यहाँ पर वैल्यू करवाओ, तो वी वन वन हो जाएगा, जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू वन टू और थ्री है, तीन कॉलम है, तो
तो ये जो सेकेंड वाला सफिक्स बताता है वो कॉलम बताता है, तो तीन कॉलम है, तो V11, V12 और V13 में से मिनिमम ढूंढो। तो V11, V12, V13 में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम -2 है। तो ये V1J का मिनिमम, जहाँ पर J वैरी कर रहा है, J का वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अब फिर मिनिमम V2J ढूंढो। तो V2J यहाँ पर J वैरी करेगा, V21, V22, V23, तो V21, V22 और V23 में से मिनिमम कौन सा है? -1 है। और फिर थर्ड स्ट्रेटजी अगर सेलेक्ट करता है तो मिनिमम ढूंढो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया उसमें से मिनिमम क्या मिलता है, फिर अगर थर्ड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो उसमें से मिनिमम कौन सा मिलेगा, ये मिनिमम ऑफ V3J। तो थर्ड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने पर मिनिमम क्या मिल रहा है? 0। तो क्या करता है वो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रेटजी का मिनिमम निकाल लेता है। अब वो जो मिनिमम निकला है उसको फिर मिनिमम ऑफ VIJ को मैक्सिमाइज करता है, जो मिनिमम निकला है उसमें से मैक्सिमम ढूंढता है, मैक्सिमम फॉर ए प्लेयर के लिए ये काम हो रहा है। तो अब वो मैक्सिमम करना चाहता है, जो मिनिमम गेन हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो मिनिमम कौन सा था, यहाँ पर आई वैरी करेगा। अब मैक्सिमम में आई के जगह 1 हो सकता है, आई के जगह 2 हो सकता है, आई के जगह 3 हो सकता है। तो यहाँ पर आई वैरी कर रहा है, तो ये मिनिमम तीन चीज़ का मिनिमम लोग निकाले हैं, तो तीनों का मिनिमम जो निकाले हैं उसका मैक्सिमम देखता है। तो मिनिमम -2, -1, 0 निकला था, तो -2, -1 और 0 में से मैक्सिमम देखता है, तो मैक्सिमम कितना आया है? 0। इसमें से तीनों में से मैक्सिमम 0 है, तो वो मिनिमम गेन जो हो रहा है, ये मिनिमम गेन है, तो उस मिनिमम गेन को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो मैक्सिमम ढूंढता है। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमिन क्राइटेरिया या मैक्सिमिन फॉर ए प्लेयर जो चाहता है वो मिनिमम में से वो अपने गेन को, मिनिमम गेन में से उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। और ये जो मैक्सिमिन होगा किसी भी गेम का, तो उसको भी अंडरस्कोर से डिनोट करेंगे, इसको भी अंडरस्कोर से डिनोट करेंगे। इसको क्या कहते हैं आगे हम लोग अभी बताएंगे। अब फिर प्लेयर बी क्या चाहेगा, प्लेयर बी जो है वो प्लेयर ए क्या चाहता है कि जो मिनिमम गेन हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करना, और प्लेयर बी चाहेगा जो मैक्सिमम लॉस होगा उसको मिनिमाइज करना। तो प्लेयर बी जो है वो मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो मैक्सिमम लॉस इसका, अगर ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है उसको, मैक्सिमम लॉस 7 हो सकता है, 7 रुपीज का लॉस हो सकता है। 7 ए को गेन हो रहा है तो बी का वो लॉस हो जाता है, तो 7 रुपीज का ये लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस। फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने पर मैक्सिमम लॉस 7 है। तो देखो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ VI1। I1 मतलब ये 1 ये लिखा हुआ, मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है, ये कॉलम का है, और फर्स्ट वाला जो बताता है वो रो का बताता है। तो VI1, आई का वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों हो सकता है, तो V11, V21, V31। अब इस तीनों में से मैक्सिमम कौन है, जैसे यहाँ पर तुम देखो V11, V21, V31, यानी फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने पर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 7 लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड स्ट्रेटजी अगर सेलेक्ट करता है तो V12, V22, V32 में से मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस 5 है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम ऑफ VI2 जो है वो 5 है। इसी तरीके से जब थर्ड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम 12 है, तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रेटजी के लिए मैक्सिमम 12 है। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है उसको वो क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। तो मिनी मैक्स फॉर मी मतलब मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम VIJ। तो VIJ का कौन कौन सा वैल्यू निकला था, ये 7, 5, 12 था, और उसमें से इसको मिनिमाइज करना चाहेगा, तो मिनिमम कौन सा है, 7। तो ये सॉरी इसका 5 है, राइट, यहाँ पर मिनिमम जो है वो 5 है। तो ये बी प्लेयर चाहता है कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, तो ये 5 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसको भी बार से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमिन VIJ मैक्सिमिन कब निकालते हैं, प्लेयर ए के लिए, वो मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो मैक्सिमिन फॉर ए इज कॉल्ड द लोअर वैल्यू ऑफ द गेम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो गेम है उसका लोअर वैल्यू कहते हैं, ये जो निकाले हैं हम लोग मैक्सिमिन फॉर ए जो निकाले हैं इसको क्या कहते हैं, गेम का लोअर वैल्यू, और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमिन VIJ मैक्सिमिन फॉर ए इज कॉल्ड द लोअर वैल्यू ऑफ द गेम एंड इट इज डिनोटेड बाय वी अंडरस्कोर। एंड मिनीमैक्स VIJ मिनीमैक्स कौन सा प्लेयर चाहता है, बी चाहता है, वो मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, तो इज कॉल्ड द अपर वैल्यू ऑफ द गेम एंड इट इज डिनोटेड बाय वी बार से डिनोट करते हैं।
और इफ भी इज द वैल्यू ऑफ द गेम, भी वैल्यू ऑफ द गेम है, सपोज करो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम होता है जो ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो, बी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो, वहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम को हम डिफाइन भी करेंगे। तो इफ भी इज द वैल्यू ऑफ द गेम देन इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, अगर भी वैल्यू ऑफ द गेम है तो जरूर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कि मैक्सिमिन जो होगा प्लेयर ए का वो लेस देन इक्वल टू भी होगा और लेस देन इक्वल टू मिनी मैक्स फॉर भी, यानी कि भी अंडर स्कोर इज लेस देन इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू भी बार, ठीक है। एक्चुअली ये भी वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर ए का जो मैक्सिमिन है और बी का जो मिनी मैक्स है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। इक्वल अगर हो जाता है तो उसी को हम लोग, जहां पर इक्वल होता है उसी को हम लोग कहते हैं भी। क्या इस एग्जाम्पल में इक्वल है, इस एग्जाम्पल में इक्वल नहीं है। देखो तुम ये मिन मैक्सिमिन निकाला है प्लेयर ए के लिए तो वो जीरो निकला है, और यहाँ पर अगर प्लेयर बी की बात करें तो मिनीमैक्स निकाला है तो कितना निकला है, फाइव निकला है। दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमिन मिनीमैक्स क्राइटेरियन हो गया। अगर स्टेटमेंट पूछे तो यही लिखना है, इस एग्जाम्पल से हम समझाए हैं। और नेक्स्ट डे हम बताएंगे सेडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ द गेम और कैसे सवाल को, गेम थ्योरी के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेम थ्योरी का मैं सेडल पॉइंट बताऊंगा, वैल्यू ऑफ द गेम बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे गेम थ्योरी के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।